सरगुजा सांसद रेणुका सिंह को सीएम बनाने के लिए जद्दोजहद जारी, समर्थकों ने रामानुजगंज नगर में किया हवन पूजन, कहा प्रबल दावेदार के रूप में रेणुका सिंह का आता है नाम। धमतरी में बीएसपी प्रत्याशियों ने बीजेपी पर साधा निशाना, षड्यंत्र पूर्वक वोट चोरी करने का लगाया आरोप, कहा ईवीएम में बीजेपी ने की गड़बड़ी। सारंगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल में किया फन मेले का आयोजन, स्कूली छात्रों ने बनाए स्वादिष्ट व्यंजन, अभिभावकों ने मेले का उठाया लुत्फ। सूर्या के रॉयल किड्स स्कूल में लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी, बच्चों ने अपनी प्रतिभा का दिखाया जौहर, अतिथियों को अपनी कला के बारे में दी जानकारी। गरियाबंद के ग्रामीण इलाकों में दिखा तेंदुए का झुंड, तेंदुए के आतंक से ग्रामीण परेशान, ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में, मैं हूं आपके साथ ज्योति। सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के मुख्यमंत्री को बनने को लेकर के जद्दोजहद जारी है। तो आपको बता दें कि इसको लेकर के प्रेमनगर विधानसभा के गृह निवास रामानुज नगर में समर्थकों की तरफ से हवन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि रेणुका सिंह को हाईकमान के द्वारा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया जाए। बीजेपी के साथ साथ अन्य पार्टी के नेता चाहते हैं कि रेणुका सिंह को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अभी तक सबसे प्रबल दावेदार के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का नाम आगे है। छत्तीसगढ़ में 5 साल बाद एक बार फिर सत्ता का सुख बीजेपी को मिला है। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बना रही है। वहीं विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद से बीजेपी के दिग्गज नेताओं का बयान सामने आया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आमंत्रण को स्वीकार किया है और छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा करके पूर्ण बहुमत दिया है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश का नेतृत्व कौन करेगा ये पार्टी ही तय करेगी। छत्तीसगढ़ की जनता ने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आमंत्रण को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबको आह्वान किया था, आमंत्रित किया था कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित है। छत्तीसगढ़ की जनता ने वोट देकर उस आमंत्रण को स्वीकार किया है, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दी है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, हम पर भरोसा किया और सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे कि पार्टी का विधायक दल। रायपुर में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को लेकर बसना से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक संपत अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा की, जो दौरान उन्होंने कहा कि जीत का मूल मंत्र मोदी गारंटी का घोषणा पत्र है। पिछले 5 साल से कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार से जनता त्रस्त थी। उन्होंने कहा कि जनता के किए गए हर वादे को पूरा किया जाएगा। जीत का मूल मंत्र मोदी गारंटी का घोषणा पत्र और पिछले 5 साल से जो भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार से जनता त्रस्त थी, और चूंकि मैं बसना विधानसभा से बिलोंग करता हूं, वहां की जनता मुझे अपना परिवार का भाई अपना बेटा मानती है और उसको टिकट मिल गया बोलने से अति उत्साहित थे, तो जीतना तो तय था। अग्रवाल जी, आपने देखा है कि लगातार क्षेत्र में जो कांग्रेस सरकार है तो क्षेत्र में लोगों को अब जनता ने आपको विश्वास किया है, तो उसको विश्वास कैसे खड़ा कर पाएंगे? देखिए, 15 साल तक भी और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी और जनता के विश्वास पे खरा उतरे थे, ये तो गलती थे और भ्रष्ट सरकार बैठ गई थी। और हम जनता के विश्वास में खरा इसलिए उतरेंगे कि डबल इंजन की हमारी सरकार है, जो कुछ काम यहाँ से पूरे नहीं होंगे केंद्र से बोल के करवा लेंगे, और जनता के हर वादे जो मैंने किए हैं जनता के सामने वो सब पूरे किए जाएंगे।
समस्या है, तो जनता को लेकर क्या क्या समस्या को पहले निराकरण करेंगे? वहाँ पे मुख्य रूप से हमारे यहाँ सड़कों की गांव-गांव तक पहुंच मार्ग भी नहीं है, सड़क के नाली का, बिजली का, पानी का, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं और स्कूल का, ये सब मूलभूत समस्याएं भरी हुई हैं। इनको सारंगढ़ में बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 54 सीटों पर मिली जीत के अवसर पर अधिवक्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई और राज्य की जनता जनार्दन का आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में बीजेपी विधिक प्रकोष्ठ के कोषाध्यक्ष अनुरोध कुमार पटेल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सफलता हासिल हुई है, परंतु सारंगढ़ जिले की दोनों विधानसभाओं में कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर खुशी जाहिर करते हुए अधिवक्ताओं ने राज्य की समस्त जनता जनार्दन का आभार प्रकट किया। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कुशासन पर सुशासन की विजय हुई है और इस खुशी में हम लोग सारे अधिवक्तागण आज आपस में मुंह मीठा करके खुशियां मना रहे हैं और ये समस्त जनता जनार्दन की विजय है। हम इस मंच से समस्त जनता जनार्दन को छत्तीसगढ़ की बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। केंद्र में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उन्होंने भारत पे बहुत सारा विकास किया है और केंद्र में सरकार होने की वजह से अब राज्य में भी विकास होगा, प्रत्येक समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का भी विकास सरगुजा संभाग के इतिहास में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी जीत कभी नहीं मिली थी। बता दें कि सरगुजा जिले के हाई प्रोफाइल अंबिकापुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के नए चेहरे राजेश अग्रवाल ने कड़े संघर्ष से टीएस सिंहदेव को पराजित कर दिया। सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पिछले विधानसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेते हुए बीजेपी ने हिसाब बराबर कर दिया है। वहीं सरगुजा संभाग में ऐतिहासिक जीत मिलने और छत्तीसगढ़ में फिर से सत्ता पर काबिज होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उत्साह का माहौल दिखाया। साथ ही जीत के बाद से सरगुजा संभाग के सभी जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से जीत का जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है। हमारे विधानसभा क्रमांक 10 अंबिकापुर में राजेश अग्रवाल भाजपा के प्रत्याशी के रूप में उनको टिकट दिया गया था भाजपा की ओर से और उनके द्वारा जीत जो हासिल की गई है उनकी जीत की खुशी में हम लोग के द्वारा पटाखे की जा रही है और जो एक कांग्रेस की सत्ता जो चोरों की सत्ता की थी, जो भ्रष्टाचार की सत्ता थी, हमारे पीएससीएस एग्जाम में इनके द्वारा जो भ्रष्टाचार की वो भ्रष्टाचार को नामोनिशान से मिटाने के लिए जो जनता के द्वारा जो वोट का चुनाव करते हुए राजेश अग्रवाल को जिताया गया है उसकी खुशी में हम लोग विधिवत एक चौक पर पटाखे की माहौल में फोड़ रहे हैं। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और यहाँ की जो जनता है हम लोग सब एकत्र हुए हैं। इस यह उपलक्ष्य सबसे बड़ी बात है कि आज सरगुजा का जो महाराज कहा जाता था आज उसको धराशाही करके जमीन पर पटक दिया गया है और हर समय जनता ये चाहती थी, परिवर्तन का लहर भी था और लोग चाहते थे कि जो ये जो सरकार है ये काले बाजारी और घोटालों की सरकार थी, हर समय किसानों की मुद्दा हो चाहे युवाओं की मुद्दा हो या किसी भी वर्ग के लोग हो सब तरक्त थे। इसको देखते हुए हम लोग इस बार राजेश भैया को जीत हासिल कराए हैं और ऐतिहासिक जीत है हमारे सरगुजा में अंबिकापुर शहर की। तो हम इस लक्ष्य में सारे एकत्र होकर बम पटाखे के साथ आतिशबाजी कर रहे हैं और ये मेरी जीत नहीं है, इस पूरी जनता की जीत है और जनता यही चाहती थी। जनता जनार्दन जो भी डिसीजन लेगी, जो भी चाहेगी, वो आज दिख रहा है जमीनी हकीकत पर। जब आंख में धूल झोंककर जब वोट लिया जाता है तो जनता का फैसला इसी तरीके से आता है जिस तरीके से जनता ने 14 का 14 सीट उन्हें दिया था तोहफे के रूप में। आज जो 14 का 14 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को पुनः वापस करने का काम भारतीय जनता ने जो किया है उसका मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उन जनता जनार्दन का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे बड़ा चीज कि सरगुजा और सीतापुर जहाँ मतलब आज जो काला अध्याय का अंत हो गया, ये स्थिति है कि सरगुजा में जो यहाँ के विधायक थे अगर कहे तो इस सरगुजा में उन्होंने एक भी चिन्हारी देने का भी प्रयत्न उन्होंने नहीं किया कि जिनका नाम लेकर उनको आने वाले समय में याद किया जाएगा, ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज में भी उन्होंने एक गलत काम किया,
कि अपने मां के नाम से उन्होंने देवेंद्र कुमारी के नाम से उस हॉस्पिटल का, जबकि एक प्याऊ के नाम पे भी उन्होंने वहां पर प्याऊ भी खुलवाने का भी प्रयास नहीं किया और उसका भी नाम जो है देवेंद्र कुमारी के नाम से किया गया। ताज्जुब लगता है कि इतने मतलब राजा महाराजा सब कुछ औहदा देने के बाद शहर की जनता को उन्होंने जिस तरीके से छलने का काम किया है, सरगुजा की जनता अब उन्हें माफ करने वाली। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आया है जिसमें बीजेपी को भारी बहुमत से जीत मिली है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भुवनेश्वर साहू और लालचंद पटेल ने बीजेपी पर षड्यंत्र पूर्वक वोट चोरी करने का आरोप लगाया है। दोनों प्रत्याशियों ने आरोप लगाया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बीजेपी ने गड़बड़ी की है और उनके वोटों की चोरी बीजेपी की ओर से की गई है। हम लोग सर अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके मामले को लेकर आए हैं। क्या शिकायत है? शिकायत ये है सर कि मेरे गांव में दो बूथ है जिसमें एक बूथ में 0-0 वोट दिखाता है और एक बूथ में 16 वोट दिखाता है। खड़ा कौन हुआ था चुनाव में? मैं खड़ा हुआ था, तो जो 0 वोट दिखा रहा है वहां पर मेरे समाज का या मेरे रिश्तेदार का बहुत सारा वोट है, तो वहाँ पर कम से कम मेरे समाज और मेरे परिवार का वोट पड़ना था, वो नहीं दिखा रहा है, ये मामला है। एक भी वोट नहीं दिखा रहा आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। आपका खुद का वोट नहीं दिखा रहा? जो वार्ड बूथ नंबर 13 में मेरा वोट वहाँ पड़ा हुआ है जी, लेकिन ये 14 जो बूथ है वहाँ पर एक भी वोट नहीं पड़ा है, मेरे समाज का और मेरे परिवार का वहाँ पर वोट है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने जो आपको मिले हैं? मेरे को मिला 16 वोट मिले हैं। 16 वोट मिले जी। और मतदाताओं की संख्या क्या है? लगभग 2000 के आसपास है। और आप पार्टी से खड़े हुए थे? बहुजन समाज पार्टी। मैं धमतरी विधानसभा क्रमांक 58 से बहुजन समाज पार्टी एवं गुड़वाना गणतंत्र पार्टी का प्रत्याशी हूँ। जिस दिन मतगणना हो रहा था 3 दिसंबर को, मैं 3 बजे ही मीडिया के माध्यम से शिकायत कर दिया था कि जो बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी का वोट है और अन्य निर्दलीय प्रत्याशी का जो वोट है, मतगणना के हिसाब से जो वोट मिला है उनमें बहुत कम वोट दिखा रहा है, तो मेरी पूरी संभावना है, मेरा शक है कि भाई ये वोट जो है भाजपा में जा रहा है, उनमें ट्रांसफ़र हुआ है, जिनके कारण से जो अन्य प्रत्याशी है और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है बहुत ही कम वोट है। आज नोटा में 3000 वोट पड़ता है। भूले बिसरे जो हम लोग बोलते हैं कि भाई ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो इन लोग भूलवश 10 वोट 5 वोट 20 वोट पड़ता है ऐसा करके बोलते, तो वोट कहाँ है? एक वोट 2 वोट दिखा रहा है तो ये कोई वोट थोड़ी है। वर्षों से हम लोग यहाँ किसान के लिए मजदूर के लिए काम कर रहे हैं, तो वोट जमीन में नहीं दिखा रहा है, इसलिए हमको शंका हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या है जो आपको मिले धमतरी में? अभी वर्तमान में मुझे 1100 वोट पड़ा है। और आपको कितने पड़ने चाहिए थे आपकी संभावना? मेरी संभावना में लगभग 20 से 25 हजार वोट पड़ना था। आपको मिल रहा है जी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता का जनादेश स्वीकार्य है, कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग के विकास के लिए काम किया है। वहीं कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि हम गरीब वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी सरकार लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरे। उन्होंने कहा कि हम मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेंगे, हम सरकार के अच्छे कामों का सहयोग करेंगे। साथ ही चुनाव के परिणामों को लेकर कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि क्या कमी रह गई थी उनकी समीक्षा में हम लोग करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद अब हम लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं, लोकतंत्र में हमारा अटूट विश्वास है। 5 साल पहले हमारी सरकार बनी और 5 साल से हमने हमारी सरकार ने पूरी निष्ठा से छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा की, हर वर्ग के लिए, चाहे हमारे ट्राइबल बहन भाई हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, किसान, मजदूर, महिलाएं, स्वयं समूह,
युवाओं के लिए हर तरह से हर तरफ हमारा प्रयास रहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में सबको हिस्सा मिले। कहीं ना कहीं हम अपना ये संदेश जनता तक पूरी तरह से नहीं पहुंचा पाए, नतीजों से यही लगता है। निराशाजनक जरूर है ये नतीजे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी हताश नहीं हुई। हमने चुनाव हारे भी हैं, जीते भी। पेटलावद विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक निर्मला भूरिया ने जीत दर्ज की है। वहीं जीत का पूरा श्रेय कार्यकर्ताओं को देते हुए कहा कि जो मेरे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, मैं कार्यकर्ताओं के विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास कर क्षेत्र के जो विकास कार्य नहीं हो पाए हैं उन विकास कार्यों को पूरा करने में प्रथम काम करूंगा। उन्होंने बड़े भावुक होते हुए कहा कि ये सब मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, जो मैंने कड़े संघर्ष के बाद मेरे पिताजी के पद चिन्हों पर चलने का मुझे दोबारा मौका मिला है। ये जो चुनाव लड़ी हूँ मैं, आने वाले समय में उन्होंने तो ये उन्हीं के आशीर्वाद से लड़ी हूँ। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमेशा मुझे ये एहसास रखता, मुझे रास्ता दिखाते हैं और हमेशा 24 घंटे वो मेरे साथ रहे। और आज उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ कहूंगी, मेरे कार्यकर्ताओं की मेहनत और उन्हीं की बदौलत आज यहाँ पे मैं फिर से जीत के। खबर कोरबा से है, जहाँ 26 नवंबर की शाम मितानीन को महिला डॉक्टर की तरफ से मारपीट की बात सामने आई है। वहीं मितानीन के आवेदन देने के बाद भी पुलिस की ओर से मामला दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर के 2500 की संख्या में मितानीन कलेक्ट्रेट पहुंची और एक दिवसीय सांकेतिक धरना देकर अपना विरोध दर्ज करवाया। बता दें कि प्रसूति कक्ष में मितानीन को बंधक बनाकर रखा गया और प्रसूति के बाद डॉक्टर की ओर से पैसा मांगने का आरोप भी लगाया गया। अपने सहयोगी मितानीन को न्याय दिलाने के लिए मितानीन घंटों कलेक्ट्रेट के सामने बैठी रही। वहीं गुस्साए मितानीनों के सांकेतिक धरना प्रदर्शन के दौरान एक भी महिला पुलिसकर्मी नजर नहीं आई। मैं आज यहाँ हम लोग सारी मितानीने अपने मान सम्मान के लिए आई हुई हैं। जिला अस्पताल में आज से नहीं, ये कई वर्षों से हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये तो अभी मारपीट का वीडियो या फिर मारपीट का जो भी केस है, गाली गलौज, ये अब सामने आया है, पर ये घटनाएं कई वर्षों से हुई जा रही है। किस शिकायत की थी सर? इसके बाद में 29 तारीख को हम लोग 60-65 की संख्या में हम लोग थाना में आए थे FIR दर्ज करवाने, लेकिन हमारा FIR दर्ज नहीं किया गया सर। आज आपको क्या मांग लेकर के आए? हाँ, वो FIR, हमारा भी FIR दर्ज किया जाए और उस डॉक्टर को और वो जो पुरुष डॉक्टर है और दो सफाई कर्मी उनको सस्पेंड किया जाए और दो पुरुष डॉक्टर और महिला डॉक्टर को उनको भी हमको न्याय मिलना चाहिए सर, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। सारंगढ़ के स्वामी आत्मानंद विद्यालय में फन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे बच्चों के साथ हायर सेकेंडरी तक के छात्र छात्राओं ने भी अलग अलग स्टॉल लगाकर कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, जिसका छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने भी बड़े ही उत्साह से व्यंजन और गेम का लुत्फ उठाया। इसी दौरान छात्रों ने एक कोने में भूत बंगला बनाया था, जो कि सभी स्टॉलों में से सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें छात्रों ने इतनी बेहतरीन मेकअप और एक्टिंग की। वहीं फैन मेले का आयोजन प्राचार्य सुदीप प्रधान के नेतृत्व में किया गया, जहां जिला शिक्षा अधिकारी समेत अन्य शिक्षक गण उपस्थित रहे। बहुत अच्छा, हम लोगों ने इतना सोचा नहीं था, एकदम अनएक्सपेक्टेड था। इतना अच्छा अरेंजमेंट बच्चों ने किया है, इतना अच्छा फूड आइटम्स में गेम्स वो, और सबसे इंटरेस्टिंग जो यहाँ का था वो था स्कैरी हाउस, और बहुत ही एकदम बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और बहुत भीड़ है, बच्चे भी खुश हैं, पेरेंट्स भी खुश है और हम लोग को भी बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला। क्या बना रहे हैं? चावल भजिया। ये चावल को और उड़द दाल को रात भर भिगा के सुबह पीसते हैं। अभी तक अच्छा चल रहा है आपका दुकान? हाँ। क्या कमाई चल रही, कैसे हो रहा है? हो गया बहुत, मतलब अब बैटर बस थोड़ा सा ही बचा, एक घंटे में ही बहुत ज्यादा बिक्री हो गया। फर्स्टली वी टेक द बेस ऑफ वाटर बॉल्स, देन वी क्रैक इट एंड पुट सम पोटैटो मिक्सर व्हिच माय फ्रेंड्स मेड एंड पुट सम इट इज
sweet water and the sour water. Then we give serve to the customer. छुरिया में हर साल की तरह ही इस साल भी रॉयल किड्स कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों के हुनर को उजागर करने के लिए विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने एक से एक बढ़कर एक प्रोजेक्ट तैयार किए। वहीं बच्चों ने अतिथियों को अपनी कला का प्रदर्शन कर पूरी जानकारी दी। इस प्रतियोगिता में छोटे छोटे बच्चों ने भी अलग अलग प्रोजेक्ट तैयार कर अभिभावकों का मन मोह लिया। वहीं बच्चों ने व्यर्थ सामग्रियों से भी अपना प्रोजेक्ट तैयार किया तो अन्य बच्चों ने नए नए उपकरण बनाकर बताया कि वे आने वाले समय में किसी वैज्ञानिक से कम नहीं हैं। वहीं शिक्षकों और परिजनों में खासा उत्साह इस दौरान नजर आया। इस दौरान अतिथि ने प्रतियोगिता में बच्चों की ओर से बनाए गए प्रोजेक्ट को देखकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अंबिकापुर के मैनपाट मार्ग से गरियाबंद लौट रही स्कूल बस एक भीषण हादसे का शिकार हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सुबह गरियाबंद के बीएस आर्या पब्लिक स्कूल एमलीडीहीड़ के बच्चे करीब 45 से 50 की संख्या में पिकनिक मनाने मैनपाट आए थे। वहीं पिकनिक मनाकर शाम को गरियाबंद की ओर लौट रहे थे और इसी दौरान स्कूली बस खाई में गिरकर पेड़ से टकरा गई। वहीं इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया। अंबिकापुर के मैनपाट मार्ग से गरियाबंद लौट रही स्कूली बस एक भीषण हादसे का शिकार हो गई। वहीं स्कूल बस दुर्घटना के मामले में जिला प्रशासन की तरफ से तुरंत एक्शन लिया गया और सभी बच्चों और शिक्षकों के साथ साथ स्टाफ को आवश्यक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई गई। बता दें कि कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने जिला अस्पताल पहुंचकर बच्चों से उनका हालचाल जाना और डॉक्टरों की टीम को बच्चों का समुचित इलाज करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही वाहन दुर्घटना के संबंध में एसपी की तरफ से तुरंत मामले की जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई किए जाने के लिए निर्देशित भी किया गया। धमतरी के द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल से तीन बसों में बच्चे सवार होकर मैनपाट में पिकनिक मनाने आए थे, जिसमें एक बस में बच्चियां थी 43, उनके टीचर्स थे और इसके अलावा ड्राइवर था और बाकी बसों में बॉयज थे। तो जो बच्चियों वाली बस थी ये काली घाट पे आते वक्त जो दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है वहाँ पे ये टर्न पे ये बस जो है आगे बढ़ गई, मुड़ नहीं पाई और सीधे नीचे खाई की ओर उतर गई, जो जाके सीधे नीचे पेड़ था उससे टकराई, वहाँ पे रुक गई। तो एक बहुत बड़ी घटना इससे रुक गई और तुरंत इसकी सूचना प्राप्त हुई पुलिस को, थाना बल एडिशनल साहब डीएसपी साहब तुरंत मौके पर रेस्क्यू किया, तुरंत मेडिकल की टीमें वहाँ आई और इमरजेंसी रेस्पॉन्स के तहत एसडीएम साहब और अन्य जो प्रशासनिक अमला था वहाँ पहुँच गया। सभी लोगों ने मिलकर बच्चों को रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल लाया गया, सभी बच्चों का समुचित इलाज यहाँ चल रहा है। इसमें एफआईआर दर्ज की जा रही है एक्सीडेंटल केस की, साथ ही साथ इसमें ये जांच की जा रही है कि ड्राइवर की गलती है या मैकेनिकल फेलियर हुआ है गाड़ी में। इसके लिए मैकेनिकल इंस्पेक्शन गाड़ी का कल कराया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान। यदि इसमें मैकेनिकल इंस्पेक्शन में गाड़ी में फिटनेस में कमी पाई जाती है तो गाड़ी मालिक के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और यदि ये ड्राइवर की भूल पाई जाती है, यदि गाड़ी में खराबी नहीं निकलेगी तो उसको ड्राइवर की भूल के तहत देखा जाएगा। बच्चों के बयान इसमें एक बार इलाज होने के बाद कल सही हालत में बच्चों के बयान दर्ज किए जाएंगे ताकि मौके पे वो चश्मदीद गवाह हैं। तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये निश्चित किया जाएगा कि इसमें ड्राइवर की गलती है या मालिक के द्वारा गाड़ी का ठीक से रखरखाव ना करने की वजह से ये घटना कारित हुई है। गरियाबंद में 2 दिसंबर को ग्राम नवाडीही में खेत धान की कटाई करने अपने माता पिता के साथ गई 4 साल की बच्ची अनीशा पर तेंदुए ने हमला कर दिया था, जिसे रायपुर हॉस्पिटल रेफर किया गया था। जहां भी बच्ची का इलाज चल रहा है वहीं कल रात उसी जगह तेंदुआ फिर से आया, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। वहीं बताया जा रहा है कि उनके साथ उनके 2 शावक भी हैं, जिसके चलते तेंदुआ ज्यादा आक्रामक है। वहीं तेंदुआ और उसके शावक का निशान भी उस जगह देखने को मिला। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम लगातार लोकेशन मॉनिटरिंग करते हुए ग्रामीणों को सचेत कर रही है। वहीं छुरा रेंजर धीरेंद्र साहू घायल बच्ची को देखने रायपुर हॉस्पिटल भी पहुंचे। वो चिल्ले स्थान में ओकर को पलट के देखे तहाने जाने की तेंदुआ है।
ओका पिताजी रीस महू रहे और साथ में हमारे परिवार वाला मन घलो अभी तो ठीक है कि बता थे फिर देखे नहीं हो ऐसे बता थे ठीक है अभी वो बता च नहीं हॉस्पिटल वाला में हाँ कर रहे हैं हजार तक के लिए नहीं नहीं बताता उसने तकलीफ तो नहीं बताता जी उसका पता नहीं है फिर ठीक है कि बता थे क्या नाम है आपके लेखक अनिशा साढ़े तीन खबरों में फिलहाल इतना ही नमस्कार